यह कथा है बुद्ध के समय श्रावस्ती नगर में रहने वाली त्रसरा गौतमी नामक महिला की। उसका एक बेटा था जो अचानक बीमार होकर मर गया। कुछ समय पहले ही उसके पति का भी देहांत हुआ था। उस पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। पति की मौत के बाद वह बेटे के आश्रय से ही जी रही थी। गौतम बुद्ध उसी नगर के पास रुके हुए थे। लोगों ने महिला को समझाया, रो मत, इतना दुखी मत हो, तुम बच्चे को बुद्ध के पास क्यों नहीं ले जाती, वह बहुत दयालु हैं, इसे फिर से जीवित कर देंगे। महिला बच्चे के शव के साथ भागी भागी पहुंची बुद्ध के पास। बुद्ध ने महिला की ओर देखा, उन्होंने उसे बच्चे को अपने सामने ही लिटाने को कहा। बुद्ध बोले, हाँ मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। महिला बोली, बच्चे के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। बुद्ध बोले, यह एक छोटी सी शर्त है, मैं कभी बड़ी मांग नहीं करता। तुम बस बगल के गांव में जाओ और कहीं से सरसों के दाने ले आओ। बस एक बात याद रखो, सरसों के दाने ऐसे घर से आने चाहिए जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। महिला अपने बच्चे के दुख में सुधबुद खो बैठी थी। वह बुद्ध की बात को समझ नहीं पाई कि कोई ऐसा घर नहीं हो सकता जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। वह दौड़ी दौड़ी गांव पहुंची। वह जानती थी कि हर घर में सरसों थी, क्योंकि गांव के सभी लोगों ने फसल के रूप में उसी की खेती की थी। उसने कई द्वार खटखटाए। लोगों ने उसकी कहानी सुनकर कहा, बस सरसों के कुछ दाने, हम बैलगाड़ी भरकर सरसों दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हो सकती। हमारे घर में कई लोगों की मौत हुई है, हमारे सरसों के दाने तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। जब रात हुई तो महिला को होश आया। उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मौत तो होनी ही है, सभी को मरना पड़ता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जब वह बुद्ध के पास लौटकर आई तो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके बच्चे की लाश जमीन पर पड़ी थी और बुद्ध इंतजार कर रहे थे। महिला आई तो बुद्ध ने पूछा, सरसों के दाने कहाँ हैं? महिला हंसी और बुद्ध के चरणों में गिर गई। मुझे भी अपने रास्ते पर ले चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा संदेश समझ चुकी हूँ। हर व्यक्ति को मरना होता है। आज मेरा बेटा मरा है, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हुआ था, कल मैं भी नहीं रहूँगा। मैं मरने से पहले मृत्यु के पार निकलना चाहती हूँ। अब मैं अपने बेटे को दोबारा जीवित नहीं करना चाहती। मैं अब कभी नष्ट नहीं होने वाले जीवन का साक्षात्कार करना चाहती हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हें भेजने का उद्देश्य ही यही था कि तुम जाग जाओ। बुद्ध ने कुशा गौतमी को दीक्षित करना स्वीकार किया। गौतम बुद्ध और गौतमी की कथा हमें अपनी मृत्यु को याद करने का मौका देती है। वह हमें याद दिलाती है कि हम भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने वाले। यह जो चारों ओर प्रकृति की सुंदरता छठा बिखरी हुई है, पक्षियों का संगीत फैला हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के रंग दिखने को मिलते हैं, और यह जो रिश्ता का प्रेम, माँ के प्यार की खुशबू, बच्चों का स्नेह, दोस्तों की यारी, यह सब एक दिन खोने वाला है। इसलिए क्या अच्छा ना होगा कि हम अपने जीवन के हर पल को जागते हुए जिए, सब कुछ महसूस करते हुए जिए, बेहोशी में जीवन ना गुजारें, अपने अभिमान, अहंकार, पद, पैसे और ताकत की दौड़ में ही ना रहें, प्रेम, दया और करुणा से भरपूर हर पल की पूरी गहराई में जीते हुए इस कीमती जीवन को गुजारें।